गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आज हम क्लास टू का हिंदी रीडर में पाठ है आपका जंगल में स्कूल। लेखक का नाम है मनोहर चमेली चमोली मनु। तो आज हम लोग क्लास टू का पाठ आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का पाठ तीन का कहानी सुनते हैं, जो कि एक एकांकी है, मतलब कि एक नाटक के रूप में है ये कहानी। तो मैंने इसको एक कहानी का रूप दिया है, तो आइए अब इसका जो सारांश है या कहानी है उसको मैं बताती हूँ। यह जानवर के स्कूल पर आधारित है। कानन वन वो एक जंगल है, उसमें स्कूल खुल गया है और सभी जानवर अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे। भालू उस स्कूल का शिक्षक था। आइए बच्चों, इसके आगे की कहानी मैं आपको बुक में या किताब में आपको बताती हूँ पढ़ते हुए। देखिए, वहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताया। एक पेड़ के नीचे मेढक, सांप, चूहा, बिल्ली, लोमड़ी, तितली, सियार, खरगोश, कुत्ता, गिलहरी और हिरन पढ़ रहे थे और भालू उन्हें पढ़ा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जंगल में जो स्कूल खुला था उसमें जानवरों के सभी बच्चे एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे थे और भालू जो था, जो कि उनका शिक्षक था, वह उन्हें पढ़ा रहा था। तो भालू उनको बहुत कड़क आवाज़ में, मतलब रोबदार आवाज़ में बोलता है कि साल भर मतलब एक साल हो गया पढ़ते हुए, अब आप लोग साल भर हो गया है, आप तैयार रहिए। तो उस पर मेढक पूछता है कि परीक्षा ये क्या बला है। तो भालू बोलता है हंसते हुए कि परीक्षा से ही तुम्हें पास फेल होने का पता चलेगा। मतलब ये है कि तुमने साल भर क्या सीखा और कितना सीखा। कहने का मतलब ये है कि भालू ने सभी से कहा कि अभी साल भर तुम लोगों ने पढ़ लिया है, अब तुम लोग को परीक्षा देनी होगी। तो इस पर मेढक ने पूछा कि परीक्षा क्या होती है। तो फिर भालू ने हंसते हुए कहा कि साल भर में तुम लोगों ने जो सीखा वो तुम्हें लिखना है और इसी से तुम्हें पता चलेगा कि तुम इसमें कितना पढ़े हुए हो, जिसमें तुम पास और फेल हो गए। तो खरगोश परेशान होकर बोलता है, लेकिन हम सब तो समझ ही रहे हैं कि हम कुछ न कुछ यहाँ नया सीख रहे हैं, तब भला ये परीक्षा की क्या जरूरत। खरगोश ने परेशान होते हुए पूछा कि परीक्षा की क्या जरूरत है। तो भालू ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम चुप रहो, मैं पढ़ाता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ और तुम सीखते हो। अब समय आ गया है कि तुम लोग एग्ज़ाम दो और इसमें जो अव्वल, मतलब जो सबसे ऊपर फर्स्ट कौन आता है, ये देखना है कि तुम में से फर्स्ट कौन आता है, अव्वल कौन आता है। तो जो छिपकली थी वो चौंकते हुए बोलती है कि अव्वल, ये अव्वल क्या होता है, ये अव्वल कौन है। तो फिर भालू बोलता है छिपकली से कि परीक्षा ही तय करेगी कि सबसे होशियार कौन है और कौन सबसे आज तक ज़्यादा सीखा है और समझदार बन गया है और साल भर में क्या सीखा है तुम लोग ने और तुम लोग कितने बुद्धिमान हो, ये परीक्षा से ही पता चलेगा। तो फिर बोलता है कि कल तुम्हारी परीक्षा होगी। फिर इतने में स्कूल की घंटी बज जाती है और जो इस कहानी को बता रहा है वो बताता है कि सभी बच्चे स्कूल से लौटते हुए सोच में पड़ गए हैं, उनके चेहरे पर चिंता के भाव स
सभी जो भी हैं बच्चे उनके चेहरे पे चिंता के भाव भर गए हैं और तनाव और भय के कारण वे हंसना गाना भूल गए हैं और वे एक दूसरे से बेवजह तुलना करने लगे हैं। मतलब है कि सभी सोचने लगे कि कौन आगे जाएगा और अव्वल आएगा और इसी में एक दूसरे से वो तुलना करने लगे हैं आपस में और सब हताश, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि उनमें सभी परेशान हो गए हैं और एक दूसरे से दूर दूर चलने लगे हैं। सुबह तक जो भी बच्चे थे नाचते कूदते स्कूल जा रहे थे, स्कूल से लौटते हुए एक दूसरे को देखकर घबरा रहे थे। परीक्षा ने जैसे उनकी आज़ादी छीन ली हो। खुशियों की पाठशाला एक झटके में डर की पाठशाला बन गई। हर कोई रात भर सो नहीं सका। कहने का मतलब है कि परीक्षा का सुनकर सभी बच्चे परेशान हो गए हैं और जो खुशी खुशी जो स्कूल जाते थे वे बहुत ही परेशान होकर घर लौट रहे हैं कि पर हमको कल परीक्षा देना है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट आपको बताऊंगी। धन्यवाद।